हेलो नमस्ते सलाम अलैकुम सत श्री अकाल केम छो एंड स्वागतम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑर्डिनरी वुमन केपी व्लॉग्स। मेरे ये अवतार देख के डरना नहीं प्लीज। हाँ वो उसका हम सेटिंग करेंगे थोड़े टाइम में, बट फिलहाल के लिए फॉर दिस वीडियो प्लीज बेयर विथ हिम। एंड एक्चुअली हम लोग ऐसे ही बैठे थे यहाँ पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको पूछना भूल गई बिगनिंग ऑफ द वीडियो, हाउ आर यू गाइज डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड यहाँ पे सब ठीक है। वी वर जस्ट डिस्कसिंग द वेब सीरीज दैट वी सॉ, वी थॉट दैट वील जस्ट शेयर इट विथ यू गाइज, जो हमें बहुत अच्छा लगा। सो द फर्स्ट वन इज परमानेंट रूममेट्स, जो कॉमेडी टाइप का है एंड रोम कॉम बोल सकते हैं, रोमांटिक कॉमेडी, एंड इट्स रियली हिलेरियस एंड अ मस्ट वॉच। या इसके दो सीजन्स है, सीजन वन एंड सीजन टू, ज़रूर देखिएगा। टाइम पास है, टाइम अच्छा बीतता है जब आप फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ बैठ के देख सकते हैं। या इट्स अमेजिंग। एंड देन नेक्स्ट हमने देखा था फाइनल कॉल, जो है थ्रिलर सस्पेंस, एंड दैट इज ऑल्सो सुपर्ब। जो कैरेक्टर्स है सब एकदम अमेजिंग एक्टिंग किया है, एंड द स्टोरी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो अगर आपको समथिंग बॉलीवुड के लेवल पे, इफ यू सी इंडियन सिनेमा के लेवल पे अगर हम देखेंगे, दिस इज समथिंग वेरी हाई। इट हैज़ रेज्ड द बार रियली हाई एंड बहुत ही क्लासिक, बहुत सुपर्ब, बहुत मजा आया देखते हुए। एंड आफ्टर दैट हमने देखा था मिशन ओवर मार्स, मॉम, वो भी एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्री टाइप बोल सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट्री, बट द वे दे हैव मेड इट विद लॉट ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स एंड रियलिस्टिक बताया है। मिशन मंगल जो मूवी है वो थोड़ा अलग है, बट ये और भी ज्यादा हमें रियलिस्टिक लगा। तो दिस इज ऑल्सो अनदर मस्ट वॉच, मिशन ओवर मार्स। या एंड देन कम्स द आइसिंग ऑन द केक, टॉप ऑफ द टेबल मैं बोलूंगी, दैट इज असुर। But the story, the content, everything is superb. हम सोच ही नहीं सकते हैं कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या हुआ होगा, क्यों हो रहा है, कितना भी आप सोच लो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ आइडिया नहीं मिलेगा। सोच सोच के सर फटने लग गया, एंड देन आफ्टर अ सर्टन पॉइंट मैंने बोला अरे अभी सोचना ही नहीं है, जस्ट कीप वॉचिंग, क्योंकि इतना अलग बनाया है वो स्टोरी एंड इट्स रियली अमेजिंग। थोड़ा सा रॉ है बट नो प्रॉब्लम, दैट इज मैनेजेबल, इट्स नॉट दैट बैड ऑल्सो। और वो होना भी चाहिए रॉ, क्योंकि वो कंटेंट वैसा है, वो स्टोरी वैसा है कि अगर रॉ ना हो तो फिर वो फेक लगता है। तो इसीलिए वो जितना जेन्युइन है, मतलब जितना उस रॉ है उतना ही वो जेन्युइन लगता है, और आपको सोचने पे मजबूर करता है हर मोड पे कि क्या होने वाला है, अगला कौन होगा, क्या होगा। इट्स सुपर्ब, यू विल बी ऑन एज ऑफ योर सीट ऑल द टाइम, लाइक अभी क्या है, नेक्स्ट क्या है, एंड यू शुड सी इन वन गो, तो ही वो मज़ा आता है, नहीं तो वेस्ट है। क्योंकि एक एपिसोड आज देखा, एक कल देखा, तो वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है। करेक्ट। सो दिस वॉज लाइक द बेस्ट अबव, लाइक पहले मैंने सोचा फाइनल कॉल सुपर्ब है, बट उसके बाद जब ये असुर देखा, हमारी सारी गलतफहमियां दूर हो गई, बट फाइनल कॉल इज आल्सो सुपर्ब। या वो तो कंप्लीटली डिफरेंट है दोनों का, दोनों सस्पेंस थ्रिलर में आता है, लेकिन दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है अपने अपने। अगर इसमें देखा जाएगा तो वो उसके लेवल पे ठीक है, ये अपने लेवल पे, लेकिन ये थोड़ा वन स्टेप अहेड है। बहुत मजा आया देख के, एंड वी वॉन्टेड टू वॉच इट एट अ स्ट्रेच। तो वीकेंड था, फ्राइडे था, आई थिंक 8 एपिसोड्स है। द बेस्ट पार्ट ऑफ दीज वेब सीरीज इज दैट कि छोटे छोटे एपिसोड्स है, ज्यादा लंबा नहीं है, सीजन वाइज खींचा नहीं है, एक ही सीजन में उन लोगों ने वो खत्म कर दिया, एंड दैट वॉज द बेस्ट पार्ट। तो बहुत मजा आया। एंड अगर एज वी ऑल नो मोदी जी लॉकडाउन 4.0 अनाउंस कर दिया है, तो और भी टाइम मिल रहा है आपको, एंड इफ यू हैव मिस्ड आउट द वेब सीरीज आई एम टॉकिंग अबाउट, देन डू वॉच इट, बहुत मजा आएगा आपको, एंड लॉकडाउन 4 ऐसे ही बीत जाएगा। मैंने एक ओरियो मिल्क शेक बनाया था, उसका भी आप रेसिपी देख कर आइए। अगर यू नो आपको गर्मी लग रही है, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, तो दिस इज़ अ रियली वेरी गुड ड्रिंक एंड फटाफट बन जाता है। बेसिक इंग्रेडिएंट्स कुछ भी फैंसी नहीं यूज़ किया है, नो आइसक्रीम, इट्स जस्ट प्योर ओरियो बिस्किट, मिल्क एंड शुगर, एंड यू कैन गो एंड सी दैट वीडियो। मैं आ गई हूँ किचन में और हम बनाने वाले हैं द क्विक एंड ईजी ओरियो मिल्क शेक, एंड कियान आ चुका है यहाँ पे सब लेने के लिए। अगर आपको गर्मी लग रही है तो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव टू चिल। सो लेट्स जस्ट क्विकली सी हाउ टू मेक दिस। मैं लेने वाली हूँ ओरियो बिस्किट, दिस इज द चॉकलेट फ्लेवर, वैनिला फ्लेवर रहेगा तो भी अच्छा है, बट आई डिड नॉट गेट दैट वैनिला फ्लेवर, सो हियर यू गो।
फोर पीसेस ऑफ ओरियो बिस्किट एंड ये है इनॉग्रेशन ऑफ माई न्यूट्रीबुलेट जो मैंने उस दिन दिखाया था आपको. सो आई एम गोना टेक अ कप ऑफ मिल्क. Break these Oreo biscuits into this. अगर आपको ज़्यादा ऐड करना है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हो. And this is sugar. इसमें मैं डालने वाली हूँ 2 tablespoons of sugar. And मैं बिना आइसक्रीम के बनाने वाली हूँ ये. तो ये हो गया 2 tablespoons of sugar. And then I'm gonna quickly add some ice. Let's go. तो ये हो गया है close. I'm gonna put this into this. ये मैंने डाल दिया है इसमें. Now I'll just on the switch. बटन दबा के That's it. ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है. Yes. And where's my glass? ये था वो ग्लास. Let's go. देखिए अच्छा फ्रॉटी आया है. आई कैन कीप इट इन दिस इटसेल्फ बट वो इतना अच्छा नहीं लगेगा. सो आई एम गोना पोर इट. मैंने जो फ्रॉथ है उसको मैं स्पून से डाल देती हूँ ऊपर. ये है हर्शीज का चॉको चॉकलेट चिप. इस ऑप्शन मैं सिर्फ ऐसे इसको ड्रेसिंग के लिए डाल रही हूँ. तो लेट्स पुट सम चॉको चिप्स एंड सम मोर और एक Oreo biscuit. ये है वो यमी यमी ओरियो मिल्कशेक विदाउट आइसक्रीम. यू कैन सी कैसा है. एंड सुपर टेस्टी. अच्छा चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं अगर आपको चाहिए तो. बट दिस इज लाइक बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो आपके घर पे होगा उससे बनाया मैंने. नथिंग फैंसी सिंपल. तो अच्छा था ना. सुपर. अच्छा था. ये जो डस्टबिन बैग रहता है वो यहाँ पे गिर गया मेरे हाथ से एंड ये यहाँ पे उसको अपना कुर्सी बना के बैठ गया है. ओरियो व्हाट इज दिस. आई वांट दैट. ही इज इग्नोरिंग मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू हिम. ओरियो आई एम टॉकिंग टू यू. ये देख ये भी आया है. He's sitting on that. Oreo? Oreo? Give me that bag. Aapne uthaya. Few moments later. Oreo, can I get that bag? Okay. Usne hadap liya ye bag. Dustbin bag. आज मैंने कियान का इंस्टाग्राम पेज बनाया है एंड दिस इज द आईडी. एंड ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है. आप मुझे फॉलो कर सकते हो यहाँ पे. तो मैं अपना व्लॉग यहीं पर ही एंड करती हूँ एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय. टेक केयर एंड स्टे सेफ.